ऐसा है कि बीजेपी कोशिश करेगी हर एक जो मस्जिद है हमारे देश में उसके नीचे एक मंदिर खोज के निकालने की। ये क्यों हो रहा है जो ना होना था हमारे दौर में, ये क्यों हो रहा है जो ना होना था हमारे दौर में। अब ऐसा नहीं होता जब धर्म संसद से बोला जाता है कि हिंदू मुसलमान महिलाओं का रेप करो, मुसलमानों का कत्ल करो, तब कोई अरेस्टिंग नहीं होता, तब अभिव्यक्ति का पूरा आजादी है। बीजेपी पे चढ़ के बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, और अल्लाह दुश्मन ऐसा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, दलित पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुसलमान पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सरकार चाहती है कि मंदिर और मस्जिद में लोग उलझे रहे और इसी के साथ साथ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो चाहती है कि एक धर्म को सीधे सीधे खत्म किया जाए, उनको साइडलाइन किया जाए, उनको आउटलाइन किया जाए, उनको उस हाशिए पर डाल दिया जाए और जिसमें मुसलमान सबसे ऊपर है। सन 2023 में आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे, उसी की तैयारी है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान खत्म कर देंगे और 24 तक इनको फिर दोबारा सत्ता में आना है तो मुसलमानों पर इतने जुल्म कर देंगे, इतने जुल्म कर देंगे कि हो सकता है 24 तक मुसलमान अपना सब्र का पैमाना तोड़ दे और कहीं ना कहीं वो सड़कों पर निकल आए या कहीं ना कहीं वो भी इंतकाम लेना शुरू कर दे। अरे
उठेगा इंकलाब के नारों से। तो हम भी उसको ध्वस्त करेंगे ताकत कतारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। लड़ते भी चलो बढ़ते भी चलो, सर भी बहुत बाजू भी बहुत। लड़ते भी चलो बढ़ते भी चलो, सर भी बहुत बाजू भी बहुत। आपने देखा होगा जैसे लीची के नाम पर एक उत्तर प्रदेश में शामली में एक लड़के को उठाया गया, मुस्लिम युवक को उठाया गया, और जिस तरह इनको उठाया गया, इन्होंने भी शिवलिंग पे बारे में कोई टिप्पणी करी। तो ये तो डेमोक्रेसी है यहाँ पर मुल्क में, हमें अपनी बात कहने का राइट्स है। तो यहाँ पर अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाता है। मैडम, तो आप किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस थोड़ी ना पहुंचा। नहीं, तो दूसरी धर्म को आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए सिर्फ ये वाला जो संविधान लागू होगा सिर्फ दलितों पर लागू होगा, मुसलमानों पर लागू होगा। जब ये अधर्मी संसद से जाते हैं और मुल्लाओं को काटने की बातें करते हैं, तलवारें बांटी जाती हैं, मुसलमान औरतों को कहा जाता है इनको उठा उठा के इनको मारो, हिंदू युवक इनके साथ उल्टे सीधे काम करके इनका धर्म खराब करें, तब कहाँ चला जाता है संविधान, तब कहाँ चली जाती है देश की पुलिस, तब कहाँ चला जाता है देश का गृह मंत्री मंत्रालय। तो ये सारा का सारा पता चलता है कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, सिर्फ दो कम्युनिटी के लिए यूज करा जा रहा है, मुसलमान और दलितों के लिए। और मैं लगातार कह रही हूँ सन 2023 में आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे, उसी की तैयारी है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और 24 तक इनको फिर दोबारा सत्ता में आना है तो मुसलमानों पर इतने जुल्म कर देंगे, इतने जुल्म कर देंगे कि हो सकता है 24 तक मुसलमान अपना सब्र का पैमाना तोड़ दे और कहीं ना कहीं वो सड़कों पर निकल आए या कहीं ना कहीं वो भी इंतकाम लेना शुरू कर दे। और फिर ये कि देखो मुल्ले आतंकवादी होते हैं, देखो मुल्ला, देखो किस भारत में क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले सन 2014 से लेके सन 2024 तक ये मुसलमानों के साथ मुल्लों के साथ क्या कर रहे हैं वो नहीं दिखाते, वो सोशल मीडिया पे नजर नहीं आता। लगातार देखा जा रहा है कि इस देश में कि जो भी प्रोफेसर, जो भी बुद्धिजीवी, जो भी इंटेलेक्चुअल अपनी बात कहने की कोशिश करता है उसको सीधे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। और एक तरह से सीधे सीधे संविधान पे हमला हुआ। एक तरफ हम संविधान में कहते हैं कि व्यक्ति की आज़ादी है, और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसको कुचल कर सीधे सीधे गिरफ्तारी हो रही है। तो सरकार चाहती है कि मंदिर और मस्जिद में लोग उलझे रहे, और इसी के साथ साथ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वो चाहती है कि एक धर्म को सीधे सीधे ख़त्म किया जाए, उनको साइडलाइन किया जाए, उनको आउटलाइन किया जाए, उनको उस हाशिए पर डाल दिया जाए, और जिसमें मुसलमान सबसे ऊपर है और मुसलमान को लगातार हमला कर रही है। मुसलमानों पे आप देख रही है कि पिछले, मैं कहूँगा पिछले 70 सालों से हमला हो रहा है, 2014 के बाद एक विस्फोट सा होता है और लगातार सीधा सीधा हमला होना शुरू हो जाता है, और इस पर कोई मतलब कोई बोलने के लिए बहुत तैयार नहीं होता। तो कुछ लोग हैं उसमें जो अभी भी लगातार बोल रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर रतन लाल भी, जिसको तोड़ के उसमें मंदिर बनाया जा रहा है। तो ज्ञानवापी मॉस्क इस बाबरी मस्जिद 2.0 दोबारा एक कम्युनल एजेंडा के साथ देश में मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने के वजह से ऑप्रेस मार्जिनलाइज सेक्शन को दोबारा यूज़ करने के लिए सरकारी कर रही है। वो नहीं चाहती कि लोग एम्प्लॉयमेंट मांगे, वो नहीं चाहती कि लोग सवाल उठाएं कि हमारे पास नौकरी क्यों नहीं है, वो नहीं चाहती कि लोग सवाल उठाएं कि हम क्यों पैसा देना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। और इन्हीं सब बातों से हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट
करने के लिए इस ज्ञानवापी मस्जिद के इशू को दोबारा लाया गया है। और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि बीजेपी कोशिश करेगी हर एक जो मस्जिद है हमारे देश में उसके नीचे एक मंदिर खोज के निकालने की। बनारस में खुद 4 साल रही हूँ और जितने तमाम लोग बनारस से आते हैं या बनारस गए हैं वो ये बोलेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर दोनों आसपास हैं और एक बहुत ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस आज तक वहाँ रहा। तो क्यों कोशिश किया जा रहा है कि उस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब किया जाए? क्यों ये सरकार चाह रही है कि इस मुद्दे को वो कम्युनलाइज करे कि वहाँ के लोगों का शांति छीन जाए? बनारस में मैं कई सालों पहले रही और तब मैंने देखा कि बहुत ही एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में रहता है और उसी पे सरकार एक खतरा बनाना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि लोग इन्हीं सारे मुद्दों से भटकी हुई रहे हमेशा। केवल बात अब ज्ञान वापसी तक नहीं रह गई है, ताजमहल तक आई, दिल्ली की जामा मस्जिद तक आई, अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद तक पहुँच गई है। जी मैं वही बोल रही हूँ कि आने वाले समय में हर एक मस्जिद हमारे देश में वो खतरे में है और हर एक उस मस्जिद के नीचे ये सरकार ये बोलने की कोशिश करेगी कि उसके नीचे ज़रूर कोई मंदिर रहा होगा और यही उनका एजेंडा है। वो चाहता है चाहे CNRC हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे आपका काउ प्रोटेक्शन एक्ट हो, ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो मुस्लिम्स और दलितों को प्रताड़ित करने के लिए लाए गई है। लव जिहाद जैसे जो लॉज हैं वो क्या है कि मुस्लिम मैन को क्रिमिनलाइज करने के लिए लाए गए हैं? तो उसी तरीके से उनका जो एजेंडा है वो हर एस्पेक्ट से उसको अनलीश कर रहे हैं। तो आज आपने ये प्रोटेस्ट किया प्रोफेसर रतनलाल के लिए, अगर ये मुद्दे बढ़ते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर वाले तो इनके लिए भी JNU में आवाज़ें उठेंगी? बिल्कुल, JNU के ऊपर शायद सबसे बड़ा अटैक इस सरकार का इसीलिए रहा क्योंकि JNU के छात्र हर एक जो मुद्दा है, हर एक समय जहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन के आवाज़ के साथ खड़े रहने की बात हो या हमारे प्रोफेसर स्टूडेंट्स जिन पे अटैक हो रहा है, जिन पे UAPA लग रहा है, उनके लिए खड़े होने की बात हो, JNU हमेशा आगे रहा है। और आने वाले समय में जब तक JNU में प्रोग्रेसिव फोर्सेज अलाइव हैं तब तक JNU इन सारे मुद्दों पे खड़ा रहेगा। किसी को भी कुछ बोलने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है? कुछ दिन पहले हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखे डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत जो वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ ABP के गुंडे आके किस तरीके से उनके साथ मारपीट की है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो अभी उस पर विवाद चल रहा है उस पर कुछ बोलने के लिए, कुछ लिखने के लिए प्रोफेसर रविकांत को तो एक कविता पढ़े थे, कविता पढ़ने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के लिए अरेस्टिंग्स हो रही है। लेकिन तब अरेस्टिंग्स नहीं होता जब धर्म संसद से बोला जाता है कि हिंदू मुसलमान महिलाओं का रेप करो, मुसलमानों का कत्ल करो, तब कोई अरेस्टिंग नहीं होता, तब अभिव्यक्ति का पूरा आज़ादी है। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनके जो मतलब विचार हैं उससे दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची, उन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया। जब ये ऑर्डर आता है, जब ये धर्म संसद से बोला जाता है कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, तब किसी धर्म का धर्म को ठेस नहीं पहुंचता, तब नहीं ठेस पहुंचता, तब क्यों अरेस्टिंग नहीं होती? और ये तो हेट स्पीच है और रतनलाल के पोस्ट में कोई हेट स्पीच नहीं था, किसी को मारने का काटने का कोई कॉल नहीं था। रतनलाल एक हिस्टोरियन है, अगर वो कुछ हिस्ट्री के फैक्ट्स बोलते हैं, उनका कुछ काम है अगर वो बोलते हैं, ये तो फिर तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि साउथ में साउथ इंडिया के साउथर्न स्टेट्स में जितने भी डायनेस्टीज थे वो एक दूसरे से लड़ते थे और इस लड़ाई के प्रक्रिया में हिंदू राजा हिंदू मंदिर को तोड़े हैं, ये तो नहीं बोल, ये तो इतिहास के तथ्य है, तो फिर ये बोलने के लिए अरेस्ट हो सकते हैं? मतलब छात्र अगर आवाज़ उठाए तो अरेस्ट हो जाते हैं, प्रोफेसर भी अब आवाज़ उठा रहे हैं तो वो भी अरेस्ट हो रहे हैं, ये सरकार करना क्या चाह रही है आपके? जो भी पढ़ने लिखने वाला तबका है उसको दबाओ, उसको बोलने ही मत कि ये इस देश मोदी सरकार को खतरा है उन लोगों से जो सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, सवाल करते हैं, और वो तबका यूनिवर्सिटीज़ में है। तो यूनिवर्सिटीज़ में निकलने वाली हर आवाज़ को डिलेजिटिमाइज करो और अगर डिलेजिटिमाइज नहीं हो रहा है तो अरेस्ट करो, मुंह बंद कर दो, अंदर रखो।